हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला पिछले वीडियोस पे, और बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम भी किया इंस्टाग्राम पे और कमेंट भी किया, कुछ जिन लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए था। अभी मैं ऑफिस से आया और मुझे मेरे फ्रेंड्स लोगों ने बताया कि दे आर फेसिंग सम डिफिकल्टीज फॉर द एप्लीकेशन, इसलिए मैं सोचा कि आई विल गो थ्रू द एप्लीकेशन प्रोसेस और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को भी दिखाऊँ। चलो मैं आपको दिखाता हूँ फुल एप्लीकेशन प्रोसेस। यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन एंड देन यू कैन स्टार्ट योर एप्लीकेशन। आप देख सकते हैं स्क्रीन, हमको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा बिफोर एप्लीकेशन। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए देर आर टू ऑप्शन, यू कैन क्रिएट अकाउंट फॉर योर सेल्फ और समवन एल्स। सो आई विल क्लिक ऑन माई सेल्फ। सो दिस इज जस्ट द डमी अकाउंट, सो डोंट वरी। व्हाट इज द कंट्री ऑफ नेशनलिटी? इट इज इंडियन ऑब्वियसली। नाउ इट विल गो ऑन टू दी और इट विल डायरेक्ट ऑन टू द नेक्स्ट स्क्रीन। Then the passport detail is here, the country of issue, expiry date, what is the date of birth. So we have entered the date of birth. This is the very important step because sometime we do the spelling mistake. Click on next. So abhi it will ask for the email ID. सो आप देख सकते हैं मैंने ईमेल आईडी, सिक्योरिटी कोड डाला, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर डाला और सिक्योरिटी कोड रिसीव हुआ उसके। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पेज, सो यू हैव टू चेक ऑल द डिटेल्स, यू हैव टू एंश्योर एवरीथिंग इज करेक्ट। नाउ वी विल क्लिक ऑन द क्रिएट अकाउंट। सो यहाँ पे आपका होपफुली अकाउंट क्रिएट हो जाना चाहिए। और देखो, आप देख सकते हैं कि आपका वीजाज एंड इमिग्रेशन अकाउंट क्रिएट हो गया है। नाउ यू हैव टू साइन इन। सो साइन इन के लिए आपको आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट का जरूरत होगा, तो ऑब्वियसली इट इज पासपोर्ट हियर। प्रेस कंटिन्यू, एंटर योर पासपोर्ट नंबर, कंटिन्यू, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आइदर यू कैन यूज द एप्लीकेंट्स डिटेल और हेल्पर डिटेल टू साइन इन टू योर अकाउंट। सो वी विल यूज हियर एप्लीकेंट डिटेल्स। So I'll click on the phone number and hopefully we'll get the security code. एक बार अकाउंट ओपन होने के बाद आप कभी भी साइन इन कर सकते हैं और एप्लीकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। And we'll see what is the next. अभी you have to be in queue. Again it's asking for sign in. So let's enter the passport. Date of birth enter करना है अभी आपको। It is asking to generate a security code. So we'll press continue and we'll wait for the security code. अभी आप देख सकते हो application page open हो गया है। It has generated its unique reference number. So now I will click on continue application. अभी आप screen पे देख सकते हैं एक PDF copy generate हुआ है, तो I will download it. So the first option is identity and contact. So मैं यहाँ पे select करता हूँ primary, जो कि main applicant का email address है। Now I'll click on continue. First part complete हो गया है अभी। Now I will start on prepare application. तो यहाँ पे declaration रहेगा। So आपको declaration दे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि it is asking to upload the passport. Make sure कि जो भी passport आप scan करते हैं या photo click करते हैं, it must be clear and easy to read. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पासपोर्ट कॉपी अटैच कर दिया है। कंफर्म एंड अपलोड, सो वी डन अपलोडेड। अभी आप देख सकते हो कि द वेबसाइट इज कंफर्मिंग दैट यू हैव प्रोवाइडेड योर पासपोर्ट फोटो। सो व्हाट हैपन नेक्स्ट? टू एंटर द बैलेट वी विल आस्क यू टू कंफर्म यू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट एंड द इन्फॉर्मेशन यू हैव प्रोवाइडेड इज करेक्ट। सो आई विल क्लिक ऑन कंटिन्यू। अभी मेन पेज पे आ गए। यहाँ पे आपने और एक बार डबल चेक कर लेना है कि आपने सभी जो सेक्शन है वो फिल किए हैं प्रॉपरली, एंड देन यू कैन क्लिक ऑन सबमिट। उसके बाद हम क्लिक करेंगे कंफर्म एंड सबमिट। सो हियर फाइनली यू कैन सी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिटेड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा, और इस वीडियो से अगर आपको हेल्प हुई होगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये शेयर करिए। उसकी वजह से जिनको इसकी जरूरत है, इन्फॉर्मेशन चाहिए, उन लोगों को इसका इन्फॉर्मेशन मिले और हेल्प हो सके। और आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज शेयर दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मुझे सपोर्ट करते रहे। थैंक यू।